फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शादाब गुल है। क्या लजमी हुआ है? किस नाम से दुकान है और क्या हुआ है पूरा बताइए। मेरा दुकान स्टैंडर्ड ज्वेलर्स के नाम से है और उसमें चोरी हो गई है। सेन मारी करके बगल की दुकान से घुसे हैं और उसमें वेल्डिंग मशीन से तिजोरी वगैरह काट के सामान निकाल लिया है सोने का। ये बताइए कितने जो है कब रात को दुकान बंद किए थे, आपको कब पता चला? मुझे तो 11:40 पर किसी का फ़ोन आया था पड़ोसी का कि आपकी दुकान के बगल वाली दुकान में से उसके कुछ लोग दीवार तोड़ दिए हैं, उसकी वजह से मुझे आया तो मैंने देखा तो वो बुरा हादसा समझ में आया। क्या उस दुकान वाले को पता नहीं था? नहीं सर, उसको मालूम नहीं। उसका ताला तोड़ कर घुसे थे? उसका ताला तोड़ के ही घुसे हैं। तो अंदर में आपके दुकान में क्या क्या तिजोरी? मेरे पास तिजोरी है, तिजोरी के अंदर सोने का सामान सब रखा हुआ था। लगभग कितने किलो गोल्ड थे? 1.5 किलो गोल्ड होगा। और कैश? कैश 3 लाख रुपए के आस पास। CCTV कितने लगे थे? मेरे 5 कैमरे लगे। अच्छा, तो क्या उसको ब्लैंक कर दिया था उन्होंने, कलर कर दिया था स्प्रे मार के। उसमें फुटेज में बस सिर्फ इतना आया है कि वो अंदर घुसा है साइड दुकान तोड़ के और उस कैमरों पे स्प्रे मार दिया, उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं। कितने लोग घुसे हैं? एक। क्या मुंह ढका हुआ था? मुंह ढका हुआ था। थाने में क्या हुआ? थाने में मेरा बहुत सहयोग किया पुलिस ने और हमारे सब मिलने वाले जो सब लोग थे ये साथ आए थे, RWA वाले भी थे और नेता लोग भी जो हैं सब, तो इन दुकानदार हमारे ये इकबाल भाई हैं और सब दुकानदार ज्वेलर्स वाले जितने हैं सब मेरे साथ आए थे यहाँ थाने पे कंप्लेंट लिखाने। तो यहाँ पे मेरा पूरा उन्होंने बयान दर्ज कर लिया है और ये बोला है कि अगर आपको कार्रवाई चल रही है, हम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, अगर जो भी होगा जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट इसका पता चल। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो हाई टेंशन तार है के पास चलता फिरता रोड पर इस तरीके का चोरी होना, क्या कहेंगे? सर, ये जो है बरार वाली दुकान का ताला तोड़ करके उसमें कोमल किया गया है, वहाँ से एंटर हुए हैं और बाकायदा तिजोरी को काटा गया है, बहुत सातराना अंदाज से ही काम को अंजाम दिया गया है और ये रैकी की हुई है इसकी पूरी और हमारे भाई हैं इनका बड़ा नुकसान हुआ है और पुलिस प्रशासन से यही कहता हूँ कि वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाइए और इस केस को जल्दी से जल्दी खुलाने की केस को खुलाइए और मुजरिमों को जेल के अंदर होना चाहिए। थाने से मात्र 500 मीटर दूरी पर ही होगा? जी जी, और बहुत चलता हुआ रोड है वहाँ, 24 घंटे वो रोड चलता रहता है। जिस तरह से ये अंजाम दिया गया इस सेंधामारी को और तिजोरी काटी है उन्होंने, ये बड़ा सातराना अंदाज का काम है, इनकी पूरी रेकी करी है उन्होंने और बड़े सातराना अंदाज से इस काम को अंजाम दिया है। इसमें लगभग 4 से 5 घंटे इसमें लगे हैं इसको अंजाम देने के लिए। मगर जिस तरीके से एक बंदा अकेला दीवार नहीं, दुकान के अंदर एक घुसा है, ये एक बंदे का काम नहीं है, बाकी बरार वाली दुकान में भी हो सकते हैं और हों बाहर और बंदे लगे हो सकते हैं, उनकी शॉप में इतनी जगह उन्होंने काटी है कि वो आदमी अंदर एंटर कर सके। क्या पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पहुँचे थे? नहीं, पुलिस के आला अधिकारी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे, ना हमारी किसी से भेंट हुई है। थाने से IO वगैरह गए हैं, पुलिस वाले वगैरह गए हैं, अभी हमें इन भाई को बुलाया, हमारे साथी जो हैं इनको यहाँ पे इनके बयान दर्ज कराए हैं। क्राइम टीम ये सब आए थे? क्राइम टीम आई है, उन्होंने भी वहाँ से फॉरेंसिक उठाया है, अब देखिए उसमें क्या आता है।